आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने यानी सिफू के सामने पिछले चार दिनों से दोबारा से जो स्थगित किया गया धरना था वो शुरू हो चुका है और धरने में सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे ज्यादा समय बीत चुका है कामरा नंदन अभ्यर्थी बैठे हैं दीपक संगानी उनका नाम है हाल फिलहाल उनकी तबियत में थोड़ा सुधार है सुबह तबियत खराब हुई थी उनको एस एम अस्पताल इलाज के लिए जाया गया लेकिन उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया साफ साफ मांग है कि फार्मासिस्ट जो कैडर है उसकी प्रोविजन लिस्ट है वो जारी करने की इनकी मांग है लगातार ये दूसरे जो कैटर है उनसे ही मांग कर रहे हैं मैं दीपक दीपक से बात कर एक बार देखिए आपकी तबीयत में कैसा सुधार है बताइए थोड़ा सा अभी कुछ ठीक है मगर मैं बोल नहीं पाऊंगा आप बाइट बाइक सवाल मेरा अंतिम है कि आपकी तबीयत खराब हुई हम ट्रीटमेंट से मना कर दिया क्यों क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाए इसके लिए कुछ भी हो जाए मेरे मगर मैं तब तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होती है सरकार मेरी बातें नहीं मानती मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा अगर ट्रीटमेंट लेता तो मेरा अनशन टूट जाता मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा दीपक संगानी है बात नहीं कर पा रहे क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा उन्होंने 24 घंटे पहले से उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया था हालात शरीर में कमजोरी आना वलाजमी है मेरे साथ विश्वजीत बैठे हैं विश्वजीत की तरफ देखते हैं 24 घंटे ज्यादा समय हो चुका है और इनकी तबीयत जो है लगातार खराब हो रही है देखो पहली बात तो दीपक बोस के त्याग को फार्मासिस्ट कैडर हमेशा इतिहास में दर्ज होगा ये यानी कि बोस इनकी कितनी नौकरी बची है भाई साहब पचास साल के हो गए दस साल की नौकरी बची है ये किसके लिए लड़ रहे हैं ये अपने कैडर के लिए और छोटे भाइयों के लिए लड़ रहे हैं इनका कहना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि ग्यारह साल से हमारा शोषण हुआ है उस शोषण से मुक्ति के लिए आज हम इस इस कदम हमें उठाना पड़ा है कोरोना के समय लोग लोगों के हाथ नहीं लगाते उस समय हमने लोगों के जांच करवाई है उनको दवायाँ दी है उनको सुविधाएँ राजस्थान को टॉप लेवल पे पहुंचाया उसका नतीजा हमें ये दे रहे हो आप है? आज हम इस खुली सड़क में बैठे हैं टेंट के नीचे सर्दी के अंदर हमारे एक साथी जिसको 28 घंटे हो गए आम रनसन करते हुए दीपक जी भाई साहब को ऐसा हमारे साथ क्या सिस्टम है आपको हम हमने आपका क्या बिगाड़ा है हमने आपको टॉप लेवल राजस्थान को नंबर वन पे भेजा है से चिकित्सा सेवा मगर फिर भी आज हमको ये दुख देखना पड़ रहा है दिल सर दर्द करता है दिल जब दर्द करता है जब अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा अपने ही कैडर के साथी के साथ चला हुआ और धोखा होता है ग्यारह साल हो गए भर्ती हुए हुए उनको ये पता नहीं है भाई कई छोरे ऐसे हैं ऐसेम एस में लगे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो इंतज़ार कर रहे हैं भाई काल नौकरी लगेगी और मेरी अगले साल शादी हो जाएंगी वो कई सपने उनके टूट रहे हैं सज्जो रखे हैं बहुत सारी इच्छाएं हैं उनकी मगर क्या करें ग्यारह साल हो गए पीड़ित हैं शोषित हैं कुछ कह भी नहीं सकते आखिरकार फार्मासिस्ट कैडर एक सर शांत कैडर है मैं आपको बताऊं इसके पास हुड़ दंग वगैरह अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला कैडर है मगर क्या करें मजबूरी आ गई अहिंसा अहिंसा का रास्ता में आता नहीं है और हम अहिंसा अहिंसा के अंदर या तो शांति से बैठ जाओ या अनशन तो उसी के देखते हुए हमारे बोस ने ये निर्धारित किया कि मैं अनशन करूँगा उसके अंदर इन्होंने जल जो पानी वो तक भी ये नहीं पी रहे पानी का भी त्याग किया है इससे बड़ा त्याग फार्मासिस्ट कैडर में कोई नहीं दे सकता अपने कैडर को बचाने के लिए कोई नहीं दे सकता सबसे बड़ा सवाल सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और लगातार जो आम बैठे उनकी तबीयत में देखो सर मैं बता दूं सरकार की तरफ सर हार फिलहाल तक कोई सकारात्मक वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है एक परसों के दिन ओ पी जी का जरूर हमारे डेलीगेशन को बुलावा था उसमें मैं गया था बोले हम सात वैकेंसी का ही सत्यापन करवाएंगे भाई आठवा आठवा ने मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन आठवे ने क्या तुम्हारे चोटियाँ भरे थे क्या है तुम्हारे दर्द और है ये फार्मासिस्ट कैडर को तुम अलग थलग करके फेंक रहे हो क्या मतलब है एक बच्चा जब साइंस बायोलॉजी लेके डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करेगा साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट डी फार्मा बी फार्मा करेगा तभी वो फार्मासिस्ट बनता है ऐसे थोड़ी भाई आर्ट्स का कुछ भी कर लिया और वो बन गया ऐसा है सर साइंस स्ट्रीम से हैं हम सारे फार्मेसी कैडर के फार्मेसी स्ट्रीम होती साइंस की है और नॉलेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग मैनुफैक्चरिंग एंड ड्रग प्रिपरेशन एंड ड्रग मैनुफैक्चरिंग ये सारे सिस्टम ए रूल ऑफ कंडक्ट फार्मेसी एक्ट 1948 यानी कि फार्मेसी कैडर कैंडिडेट या कैंडिडेट के अलावा अगर कोई भी दवाई देता है तो वो कानूनी जुर्म है और उसके लिए पाँच साल सात साल और दस साल तीन प्रकार की प्रावधान धाराओं के अंदर जेल का प्रावधान है मगर मेरी यही समझ में नहीं आ रहा अठारह हज़ार पाँच सौ डी है, है राजस्थान में छब्बीस सौ परमानेंट फार्मासिस्ट है साढ़े तीन हज़ार सविधा पर है और बाकी की पोस्टें का हैं एस एम एस में आपको पता है सर एक अभी सचिन शर्मा नाम की के युवक की मृत्यु हुई है उसमें क्या हुआ है क्वालिफाई अयोग्य स्टाफ के, के द्वारा बिना ब्लड ग्रुप की जांच करे उसको ब्लड चला दिया गया उससे उसकी मौत हो गई दोनों किडनी अगर आ, आ, आपके पास संसाधन में आपके पास संसाधन है मगर आपके पास आदमी और स्टाफ ही नहीं होगा तो आप काय का बेहतर सुविधा दोगे चिकित्सा से, से, क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में वही लोग लेने चाहिए उसी कैडर के आदमी होने चाहिए जो उस चीज़ की सौ परफेक्टनेस हो उसके पास में हर चीज़ को जानता हो भाई आपके पेट दर्द हो गया मैं पेट दर्द में आपको पैरासीटामॉल थोड़ी दूंगा मैं आपको मैं अपने किस पास दूंगा जो भी पेट दर्द की संबंधित है वो टेबलेट दूंगा ये थोड़ी भाई उठा के पैरासीटामॉल दे दी वो आपका रिएक्शन नहीं करेगी तो कुल मिला के सरकार से मेरा यही निवेदन है आप तुरंत इस मामले को संज्ञान में ले क्योंकि आपने आम जनता

आप किसी नर्सिंग ऑपरेटर ऑपरेटर को बेचते या किसी फार्मासिस्ट को बेचते या किसी रेडियोग्राफर को बेचते या किसी एलटी को बेचते वो लेके आता वो पढ़ता हाँ भाई ओ पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है ये थोड़ी है भाई आप प्रशिक्षित शिक्षित और योग्य कैंडिडेट को लगाओ और जो सविधा कर्मचारी हम सब सविधा कर्मचारी फार्मासिस्ट कैडर के हम कोई ग्यारह बारह साल से हम शोषित है तो हम इसके अंदर हमारे कुछ प्रेशर जो नए बच्चों का भी है तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी करें ताकि हम भी हमारे सीनियर साथी दीपक चमनानी जी को ससम्मान इनका आमरण नंसन तुड़वाएं पानी वानी पिलाएं मगर सरकार इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रही सरकार को ध्यान देना चाहिए आपने अभी दो दिन पहले एक प्रदेश का युवक होया है और अगर बोस को कुछ भी जनानी होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की और प्रशासन की होगी उनकी आँखें फूट गई क्या उनके मानवता नहीं बची क्या उनके बच्चे औलाद नहीं है क्या उनके उनके उनका जमीर और उनका दिल मर गया है क्या मानवता एक देखो सर मानवता एक बहुत बड़ी मिसाल होती है संसार में सीएम साहब ने एक सबसे ख़तरनाक सुझाव लिया है कि मैं रेड सिग्नल पे खड़ा होऊंगा मैं रेड सिग्नल पे खड़ा होऊंगा मेरी आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए अरे यहाँ आपकी आम जनता परेशान है हुक्म है। राजा साहब अब तो संभालो गजेंद्र सिंह केवसर जी हमारे केवसर के राजा हैं पैसे अचल संपत्ति फुल प्लेस है जनता राजा कौन होता है जनता की सेवा करने वाला अरे बा भाई साहब आपकी जनता राजा साहब यहाँ पड़ी है सड़कों पे खुले टेंट में सर्दी में आप संज्ञान लो राजा बिना पर जा क्या काम तो कुल मिला के यही है हुक्म चिकित्सा मंत्री जी आपसे नव निवेदन है फार्मासिस्ट भर्ती का तुरंत संज्ञान लेवे चौबीस घंटे के अंदर हमारी प्रोविजनल सूची जारी करें और आचार संहिता के एक दिन पहले हमारा पूरा काम कंप्लीट करके हमें डायरेक्ट्रेड में ज्वाइनिंग करें भले आप आचार संहिता के बाद राजकाज पे चढ़ा के कर देना भाई कोई जैसलमेर फेंको तो बढ़िया यार बाढ़ पे भेजो तो बढ़िया हम तो हमें तो जंगल में भी दो हम तो सेवा करेंगे हम तो पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हैं मेडिकल फील्ड में कौन आता है सर भाई मेडिकल फील्ड में कौन आता है सेवा करने वाला आता है तो हम तो सेवा करने वाले सेवक हैं आप तो हमें बुलाए अलवर फेंको तो बढ़िया जैसलमेर फेंको तो बढ़िया बाड़मेर बाढ़ मेर फेंको तो बढ़िया भाई हम लोगों की सेवा करेंगे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े विश्वजीत मित्र हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं धरने पर लगातार पिछले चार दिनों से बैठे हैं पहले भी उन्होंने धरना दिया था एक और जुड़ अभ्यर्थियों क्या नाम आपका विनोद आप कर्मी से बैठे हैं क्या लगता है कि आपकी मांग जो है कहाँ तक पूरी हो पाई है देखिए मांग का तो जिस हिसाब से आश्वासन के हिसाब से गुजर रहे हैं उस हिसाब से कुछ ढिलाई लग रही है पर हमारे आमरण अनशन की वजह से कुछ ऐसा मन में हौसला है कि शायद हमारी मांग जल्दी सुनी जाएगी

मेरा नाम संतरा मीणा है मैं दोसा के लाल सोट से हूँ और सर मेरा ये डबल इंजन की सरकार भजन लाल सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन है गजेंद्र सिंह जी की अवसर से कि ये फार्मासिस्ट भाई यहाँ पे बैठे हैं तो अनसन पर आमरण अनसन से मैं संघाणी जी भाई साहब बैठे हैं तो इनका जल्दी से जल्दी इनकी प्रोजन सूची जारी करो जो ये जल्दी, जल्दी दरने पे से जल्दी धरने पर से उठे इनका आमरण अनसन हम तोड़वाए तो मैं तो यही हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ और इनका साथ दे रही हूँ भाइयों का और बस यही है डबल इंजन की सरकार या चिकित्सा मंत्री जी संवेदनशील है तो जल्दी से जल्दी भाइयों की सुने और इनकी प्रोजन सूची जारी करें संतरा मीणा है दूसरे कैडर से है नर्सिंग ऑफिस लेकिन इन्होंने वापस वापसी की है के, के सामने जो फार्मासिस्ट कैडर का का अकेले उसके साथ वापसी की है आगाज कर दिया है कि अब जब हमारी जो फार्मासिस्ट कैटर के अभ्यर्थी हैं है, उनकी प्रोजन लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम भी इनका साथ देंगे एक बार और बैठे मेरे साथ उनसे बात करता हूँ क्या नाम आपका मेरा नाम चरणजीत है मैं गंगानगर से आया हूँ और मैं फार्मासिस्ट संवर्क से हूँ और हम यहाँ सत्ताईस दिन से संघर्षरत बैठे हैं ये हमारा संघर्ष सत्ताईस दिन का नहीं है ये हमारा संघर्ष ग्यारह साल पुराना है ये हमारा जो दर्द है ये तड़प है ग्यारह साल पुरानी है हम लोगों ने ना हमारे माता पिता ने पाई पाई जोड़ के हमें डिग्री डिप्लोमा करवाए और हमने भी ये सोचा था कि हम मानवता की सेवा करेंगे मेडिकल साइंस के अंदर जाके लेकिन सरकार हमें मौका नहीं दे रही वो हम कैसे सेवा करें हम संविधा की सात आठ हज़ार की नौकरी करके और अपना गुजारा बसर कर रहे हैं हमारे जो साथी हैं वो पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल दस दस सालों से संविदा पे लगे हुए हैं अब इन जैसे इन दीपक जी इनकी उम्र पचास साल होगी इनके पास क्या बचा है आज इनको जो मिलते भी है तो दस साल की नौकरी रहेगी उसमें भी दो साल का प्रोबेशन रहेगा इनको क्या मिलेगा पंद्रह साल से ये संविदा पर कर रहे हैं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं इनको क्या मिलेगा अब हमारे पास खाने के लिए और पाने के लिए कुछ नहीं बचा है हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं और नंचन का भी हमारा जो फैसला वो इसलिए लिया गया है क्योंकि अब हमें कुछ मिलना अभी तक तो मिला नहीं तो इससे अच्छा है कि हम यहीं बैठे बैठे मर जाएँ औरत तो क्या और क्या कर सकते हैं हमारे पास कुछ और और है ही नहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हम अहिंसावादी लोग हैं विश्वजीत ने बताया कि हमें ना उग्र प्रदर्शन या आंदोलन करना नहीं आता हम लोग तो बैठे बैठे या तो बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन कर लेंगे या फिर लास्ट हमारे पास उचित यही बचा है विकल्प कि हम आमरण अनशन कर लें हमारे एक साथी बैठे हैं कल से दो दिन से उन्होंने अन जल और त्याग कर रखा है अगर उनकी तबीयत आज थोड़ी सी नासाज लग रही है दो दिन बाद उनकी और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी तो उनकी जगह पर हम बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं हमारा आमरण अनशन ये चलता रहेगा लगातार जब तक हमारी प्रोजिजनल लिस्ट ना जाए जहाँ है, बैठी हैं उन्होंने साफ कहा है कि जब तक हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हमें आपसे आमरान से, से उठने वाले नहीं हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो फार्मासिस्ट कैडर के, के साथ आने के लिए उन्होंने आह्वान किया है लेकिन हाल फिलहाल अकेला कैडर जो है वो संगत है अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और जो फार्मासिस्ट कैडर के अभ्यर्थी हैं उनमें कहाँ तक से बन पाता है जो उनकी मांग है प्रोविजन लिस्ट जारी करने की वो कहाँ तक जल्द ही पूरी हो सकती है कैमरा पर्सन दमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल द नगरी मीडिया जयपुर